Good morning, children. Today we are going to teach what is adverb. Adverb क्या होता है? हम लोग parts of speech में noun, pronoun, adjective, verb के बारे में पढ़ा था. Adjective क्या करता है? Noun को modify करता है, pronoun को modify करता है. उसी तरह से adverb ऐसा parts of speech है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है. किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को. जब भी कोई वर्ड किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको? एडवर्ब बोलेंगे. तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ड्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स. तो एडवर्ब क्या चीज की मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. इतनी बातें हो गई. एडवर्ब जो होता है वह वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, और खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा. एडजेक्टिव का क्या काम था? वह नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता था. अब एडजेक्टिव को कोई वर्ड मॉडिफाई करेगा तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा. एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब होगा. यदि एडवर्ब को कोई वर्ड मॉडिफाई करेगा तो क्या होगा? वो भी एडवर्ब होगा. वर्ब को कोई वर्ड मॉडिफाई करेगा तो वो क्या होगा? वो भी एडवर्ब होगा. अब एडवर्ब के कई प्रकार हो सकते हैं. अब देखो बच्चे ने क्या लिखा है. राम रन्स क्विकली. राम रन्स क्विकली, राम तेजी से दौड़ता है. तो ये जो वर्ड है क्विकली, क्विकली या क्विकली राम को मॉडिफाई नहीं करता है. राम क्विकली इज नॉट, डजंट एग्जिस्ट. रन्स क्विकली, रन स्लोली, धीरे चलता है कि तेज चलता है वो बता रहा है. तो क्विकली किस चीज के बारे में बता रहा है? रन को डिफाइन कर रहा है, रन को, क्योंकि वो स्लोली भी चल सकता था, तेज भी चल सकता था, तेज दौड़ सकता था, धीरे धीरे दौड़ सकता था. तो runs quickly, ये जो से वर्ड है quickly, ये run को मॉडिफाई कर रहा है. इसलिए quickly क्या हुआ? Quickly एडवर्ब हुआ. This is a very sweet mango. अब देखो ये जो mango क्या है? Noun. और mango को मॉडिफाई कर रहा है sweet. तो sweet क्या हो गया? Adjective. लेकिन स्वीट को भी वेरी मॉडिफाई कर रहा है. देखो वेरी स्वीट, लेस स्वीट. तो ये स्वीट को मॉडिफाई कर रहा है कि ज्यादा है कि कम है. तो वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्वीट. स्वीट क्या है? एडजेक्टिव. इसलिए वर्ब क्या हो गया? वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. सीता रीड्स क्वाइट क्लियरली. सीता रीड्स क्वाइट क्लियरली. हम बोल सकते थे सीता रीड्स क्लियरली, सीता स्पष्ट रूप से पढ़ रही है. लेकिन इस क्लियरली में भी क्वाइट लगा दिया कि बहुत ही क्लियरली पढ़ रहा है. इसलिए क्वाइट क्लियरली, ये क्वाइट क्या कर रहा है? क्लियरली को मॉडिफाई कर रहा है. क्लियरली किसको मॉडिफाई कर रहा था? रीड्स को. तो क्लियरली क्या था? एडवर्ब था. क्वाइट किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्लियरली को. तो क्वाइट भी एडवर्ब हो गया. तो हमने देखा क्विकली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, वेरी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा था, क्वाइट एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा था. तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, जो एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, ऐसे वर्ड को हम लोग एडवर्ब कहते हैं. अब एडवर्ब के भी कई सारे प्रकार हो सकते हैं. देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ एडवर्ब्स. So, उसमें से कुछ है जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम जो किसी क्रिया का किस समय हो रहा है वो टाइम बताने का जो प्रयास, टाइम बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम. जैसे हो गया नेवर, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ऑफन नाउ, आई नेवर गो टू स्कूल नाउ. During this corona period, no students is going to school. So we can say that we never go to school these days. So never किसको modify कर रहा है? Verb को modify कर रहा है. इसलिए never क्या हो गया?
एडवर्ब हो गया, नेवर से क्या समझ में आ रहा है, समय का समझ में आ रहा है, इसलिए नेवर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। ही ऑफन गो टू मार्केट दीज डेज, ऑफन किसको मॉडिफाई कर रहा है, गो को, और क्या बता रहा है, कभी कभी जाता है, मतलब ये क्या है, समय को बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह से फ्रीक्वेंटली हो गया, ऑफन ना हो गया, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाउन टाइम है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस वो क्या होता है, he always gets a good result, ये तो टाइम का था। sit here across, sit here क्या बोल रहा है, sit here मतलब यहाँ बैठो, go there वहां जाओ, तो जो here है, dear है, वो क्या करता है, sit को मॉडिफाई कर रहा है, तो here और there प्लेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक प्लेस है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे, क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। ये क्या है तुम्हारा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, सी इज वॉकिंग स्लोली, मैनर तरीका बताता है, वो टहल रहा है तो कैसे टहल रहा है, धीरे टहल रहा है कि जोर से टहल रहा है, क्या बता रहा है, एक तरीका बता रहा है, इसलिए इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे। ब्यूटीफुली, नाइसली, काइंडली, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, आई रीड द न्यूज़पेपर थॉरली कंप्लीटली, तो ये एक प्रकार का डिग्री बता रहा है कि मैं पूरा पढ़ता हूँ, पूरा नहीं पढ़ता हूँ, पूरा पढ़ता हूँ या कम पढ़ता हूँ, तो ये एक प्रकार का एडवर्ब वर्ब कितना काम कर रहा है, उसको मॉडिफाई करने का जो प्रयास कर रहा है, उसको क्या बोल दिया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, कोई काम करते हैं तो क्यों करते हैं, उसको बताता है, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। आजकल क्या है, कोरोना वायरस का जमाना है, फैल सकता है, तो इसलिए लोग क्या कर दिया, स्कूल को क्लोज कर दिया, बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक गवर्नमेंट देयरफॉर क्लोज द स्कूल। तो यहां पर देयरफॉर क्या हो गया, देयर इज कोरोना पेंडेमिक इन द वर्ल्ड, सो गवर्नमेंट देयरफॉर क्लोज द स्कूल, यहां पर जो देयरफॉर है वह क्लोज को मॉडिफाई करता है, इसलिए यह क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोगों ने सीख लिया एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन। और एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब जो है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। थैंक यू।